लोगों ने सुपारी दी हुई है आपकी छवि धूमिल करने की, और लोगों ने सुपारी ली हुई है। प्रधानमंत्री मोदी, ये छुट भैये, ये अंडरवर्ल्ड, ये आपराधिक तत्व इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, सुपारी लेना देना। विपक्ष का सवाल पूछना सुपारी है? विपक्ष सत्ता पक्ष को अकाउंटेबल बनाए, ये सुपारी है? क्या हो गया है आपको? आज मेरी सीधी बात और सीधा सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से है। आप कहां बोलते हैं और क्या बोलते हैं इसकी तो आपने कभी परवाह नहीं करी, लेकिन एक शब्द का आपने प्रयोग किया, लोगों ने सुपारी दी हुई है आपकी छवि धूमिल करने की, और लोगों ने सुपारी ली हुई है। प्रधानमंत्री मोदी, ये छुट भैये, ये अंडरवर्ल्ड, ये आपराधिक तत्व इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, सुपारी लेना देना। विपक्ष का सवाल पूछना सुपारी है? विपक्ष सत्ता पक्ष को अकाउंटेबल बनाए, ये सुपारी है? क्या हो गया है आपको? अपने पद की गरिमा, उसकी शालीनता का तो ख्याल रखिए। आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं, आप इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री। अपनी नहीं तो इस देश की गरिमा का तो ख्याल रखिए। और कहां पर? कमांडर्स की मीटिंग में, मिलिट्री कमांडर्स की मीटिंग में आप विशुद्ध राजनीतिक बात करते हैं और विपक्ष पर धावा बोलते हैं। और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपकी छवि धूमिल करने में किसी को क्या इंटरेस्ट होगा? किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपकी छवि खुद आप धूमिल करते हैं, जैसे ही सत्ता में आते हैं किसानों की जमीन हड़पने में लग जाते हैं, उससे छवि धूमिल होती है। एकदम से उठ के कहते हैं नोटबंदी लगा दी, तुगलकी फरमान, उससे छवि धूमिल होती है, क्योंकि लोग लाइन में लग के मरे, बिजनेस तबाह हो गए, छोटे मध्यम उद्योग बंद हो गए परमानेंटली। आप बिना सोचे समझे सिर्फ ठप्पा लगाना था तो गब्बर सिंह टैक्स ले आए, उससे छवि धूमिल होती है। कोविड में आपने एकदम से खड़े होकर तुगलकी फरमान एक और इशू किया, आज से लॉकडाउन लग जाएगा, उसका क्या प्रभाव होगा, कैसे लोग प्रभावित होंगे, आपको कोई मतलब नहीं, उससे छवि धूमिल होती है। छवि तब धूमिल होती है जब लाखों करोड़ों मजदूर चिलचिलाती धूप में पैरों में छाले लिए पैदल चलते हैं और आप सुप्रीम कोर्ट में झूठ बुलवाते हैं कि एक आदमी सड़क पे नहीं है, तब छवि धूमिल होती है। छवि तब धूमिल होती है जब आपको कोविड के लिए तैयारी करनी थी, इंजेक्शन मंगाने थे, वैक्सीन मंगानी थी, ऑक्सीजन की तैयारी करनी थी, आप नमस्ते ट्रंप करा रहे थे और मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार गिरा रहे थे, आप बंगाल जाकर दीदी ओ दीदी कर रहे थे और लोग हिंदुस्तान के ऑक्सीजन के बिना तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे, इससे छवि धूमिल होती है। छवि तब धूमिल होती है जब आप इतने दंभ और अहंकार में आकर सदन को ही ध्वस्त करने का काम करते हैं और ऑर्डिनेंस अध्यादेशों के हवाले से कानून बनाने लगते हैं। छवि तब धूमिल होती है जब एक साल तक इस देश का अन्नदाता, इस देश के किसान दिल्ली की ड्योढ़ी पर बैठे रहते हैं और आप उनसे मिलते नहीं है। 700 किसानों की शहादत के बाद आप कहते हैं मुझे क्या, मेरे लिए थोड़ी मरे, और फिर आपको घुटने टेक कर वो कानून वापस लेने पड़ते हैं, इससे आपकी छवि धूमिल होती है। छवि तब धूमिल होती है जब लोकसभा और राज्यसभा में आप सांसदों का माइक बंद कर देते हैं। छवि तब धूमिल होती है जब विपक्ष के खिलाफ आप अपनी एजेंसियां ऐसे छोड़ते हैं मान लो भाजपा के फ्रंटल हो। और छवि तब धूमिल होती है मोदी जी जब पूरा देश ये सवाल पूछता है कि एक भ्रष्ट आदमी अडानी को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार, अपनी प्रतिष्ठा और अपने पद की गरिमा को ताक पर क्यों रख दिया है। छवि तब धूमिल होती है जब सवाल आपसे अडानी पर पूछा जाता है और आप ना लोकसभा में ना राज्यसभा में एक शब्द अडानी पर बोल पाते हैं। छवि तब धूमिल होती है जब अडानी काली करतूतों में पाए जाते हैं और आप जांच नहीं बिठाते हैं। छवि तब धूमिल होती है जब आपके सांसद, आपके मंत्री ट्रोल बन जाते हैं। हर आदमी जो आपके साथ नहीं है वो देशद्रोही हो जाता है और आप सबसे बड़े देशभक्त बन जाते हैं, तब छवि धूमिल होती है। छवि तब धूमिल होती है जब आप जासूसी कराते हैं चुने हुए सांसदों की, चुनाव आयोग के लोगों की, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की। छवि तब धूमिल होती है जब आप और स्पाईवेयर खरीदने की कोशिश करते हैं। ये किस तरह की बातें करते हैं आप? आपके पद की कोई गरिमा है? ये शब्द है सुपारी लेना देना, ये शब्द प्रधानमंत्री बोल सकते हैं? कुछ नहीं तो इस देश के लोकतंत्र का, इस देश के लोगों का सम्मान करिए और विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर दीजिए। 9 साल से सत्ता में आप हैं, आप विक्टिम कार्ड कब तक खेलते रहिएगा? अब रिपोर्ट कार्ड दिखाने का टाइम है मोदी जी, और रिपोर्ट कार्ड में आप बुरी तरह से फेल है। असलियत ये है।